हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने वीडियो के टॉपिक को जानते हैं और फिर जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। तो फ्रेंड्स, जैसे ही पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने ये ऐलान किया ना कि इस सेशन के जो एग्जामिनेशन है वो दो टर्म में होंगे, तो बच्चों में थोड़ा सा सहम का माहौल था कि किस तरह का सिलेबस जो है वो जारी किया जाएगा। सो दोस्तों, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने एक नई अपडेट जारी कर दी है। जो दो टर्म में एग्जामिनेशन होंगे, फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन के लिए सिलेबस जारी कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी सिलेबस के बारे में जिक्र करेंगे। तो फटाफट से करते हैं वीडियो को शुरू। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल जीडी टेकी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10th के सिलेबस के बारे में। तो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने 10th से रिलेटेड जो सिलेबस जारी किया है वो अभी सिर्फ मैथमेटिक्स और साइंस का किया है। तो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं, आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा गया है श्रेणी 10वीं विषय गणित टर्म 1 अंक 40 सारे प्रश्न जरूरी हैं। प्रश्न पत्र में 40 प्रश्न बहुविकल्पी उत्तर वाले एक एक अंक दे होंगे। जी हाँ दोस्तों, सभी के सभी क्वेश्चन जो हैं वो एमसीक्यू ही होंगे। तो कौन कौन से चैप्टर में आने वाले हैं, देखिए आप देख सकते हैं। सब तो पहला अध्याय दा ना अते नंबर, वास्तविक संख्यावां भाग पहला, कुल अंक 5 ते एक अंक वाले प्रश्न 5। दूसरा चैप्टर जो है वो है जी बहुपद 02। थर्ड है जी दो चलों विच रेखीय समीकरण दे जोड़। फोर्थ लेसन है जी चक्कर 10। फिफ्थ है जी निर्देशक अंक जिमैती 07। सिक्स्थ है जी त्रिकोण मिति बारे जान पछाण 08। सैवंथ है जी चक्कर नाल संबंधित खेत्रफल 12। अठवें है जी संभावनावां 15। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं एक तरफ लड़ी नंबर सीरियल नंबर लिखा गया है और दूसरी तरफ जो है वो चैप्टर लिखे गए हैं। 8 400 400 400 एक ऐसा एजुकेशनल सॉल्यूशन जिसमें आपको चाहे मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या हो बायोलॉजी, किसी भी प्रकार का एजुकेशनल डाउट होगा आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं और वो भी अपने व्हाट्सएप पे। आपको करना क्या होगा, इसी नंबर को सेव करना होगा और जो भी आपका क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन की पिक्चर खींचनी है और सेंड करनी है इस व्हाट्सएप नंबर पे और विद इन 5 सेकंड्स आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। चाहे वो क्लास 6 से 12 तक के हो, IIT-JEE मेंस हो या फिर CBSE या फिर किसी अदर बोर्ड से हो। सो दोस्तों, आपको करना क्या है, इस नंबर को सेव करना है 8 400 400 400। तो दोस्तों इंतजार किस में है और उनके नाम भी लिखे गए हैं और मार्किंग स्कीम भी लिखी गई है कि किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आ सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे कंपलसरी होंगे। आप देख सकते हैं कुल अंक 40 है और एक एक अंक वाले जो प्रश्न है वो भी 40 है। सो इसका मतलब आपको जितने भी क्वेश्चन है वो फिल करने ही होंगे और जो एग्जामिनेशन शीट होगी वो OMR शीट ही होगी। तो अब हम क्या करते हैं, जल्दी से साइंस का सिलेबस भी जान लेते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं साइंस के सिलेबस के बारे में भी जानकारी दी गई है। आप देखिए उत्तर प्रश्न पत्र दी बनतर पहली टर्म 2021-22 प्रश्न पत्र विच कुल 40 अंक होंगे, सारे प्रश्न करने जरूरी हैं, अंक वंड हेठ लिखे अनुसार होएगी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, एक तरफ सीरियल नंबर लिखा है और एक तरफ लिखा है जी लेसन नंबर। तो लेसन नंबर फर्स्ट रसायनिक क्रियावां अते समीकरण, लेसन नंबर 5 तत्तां दी आवृत्ति वर्गीकरण। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं आपको अच्छी तरह से विजिबल हो जाए, देखिए। उसके बाद है जी 10th लेसन है जी प्रकाश परिवर्तन अते वर्तन, और आप साथ साथ में देखिए मार्किंग स्कीम भी साथ साथ लिखी गई है। उसके बाद आ जाता है जी मनुखी अख अते रंग बिरंगा संसार। उसके बाद 12th लेसन बिजली, 13 बिजली धारा अते चुंबकी प्रभाव, 14th लेसन ऊर्जा दे सोमे, 15th लेसन साडा वातावरण, 16th लेसन कुदरती साधना दा प्रबंध। तो मैं आपको एक बार दोबारा से लेसन दिखा देता हूं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये जो लेसन दिए गए हैं, उसके बाद जी ये जो लेसन है, ठीक है। तो ये भी आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो 40 मार्क्स का ही होगा। अभी तक 10th से रिलेटेड इन दो सब
सब्जेक्ट्स का ही जो सिलेबस है वो जारी किया गया है। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट आएगी हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट कर देंगे, क्योंकि ये एक बड़ी अपडेट थी, सो मैंने सोचा आपके साथ से शेयर किया जाए। सो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज शेयर कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा।